नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्या है और ये कैसे, इससे जो एयर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो ह्यूमिडिफिकेशन है वो होता है कि अगर हम एयर में जो मॉइस्चर है उसको ऐड कर दें, एयर का जो मॉइस्चर है उसको इनक्रीज़ कर दें बिना ड्राई बल्ब टेम्परेचर को चेंज किए हुए, तो वो होती है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हीट हम ऐड करते हैं, बेसिकली क्या है कि मॉइस्चर को ऐडअप करने के लिए हमें इसमें हीट को ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम साइक्रोमेट्रिक जो प्रोसेस चार्ट है वहाँ पे देख सकते हैं जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, इसके एक्स एक्सिस में ड्राई वाल्व टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है और ये सैचुरेशन कर्व है और ये जो कर्व है ये हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो ड्राई वाल्व टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ड्राई वाल्व टेम्परेचर तभी कॉन्स्टेंट रहेगा अगर मेरे पास एक वर्टिकल लाइन हो। तो मैं कह सकता हूँ कि दो पॉइंट मेरे पास इनिशियल पॉइंट वन है और फाइनल पॉइंट टू है और TD1 इक्वल टू TD2, ड्राई वाल्व टेम्परेचर एट पॉइंट वन दैट इज़ इक्वल टू ड्राई वाल्व टेम्परेचर एट पॉइंट टू। लेकिन इसमें मॉइस्चर को एडअप करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो चेंज हो जाएगी और ह्यूमिडिफिकेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहती और सिर्फ ड्राई वाल्व टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ मेरे पास जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो W1 है और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है, तो कह सकते हैं जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगी और यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी Φ1 यहाँ है और ये Φ2 है, तो इससे देख के पता लगता है कि यहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगी, सिर्फ ड्राई वाल्व टेम्परेचर वो कॉन्स्टेंट रहेगा और ये ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से हम H1 फाइंड आउट कर सकते हैं और सेकंड पॉइंट से H2 फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एंथैल्पी हमारे पास आ जाएंगी और जिससे क्या है कि हम जो हीट ऐड करेंगे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मैं कह सकते हैं कि जो ड्राई वाल्व टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है और जो सेंसिबल हीट है वो हमारी कॉन्स्टेंट रहती है। बेसिकली जो सेंसिबल हीट वो होती है वो कि ये वो हीट है जिसको हम ऐड करते हैं लेकिन हमारा जो फेज़ है वो चेंज नहीं होता, फेज़ हमारा एक ही रहता है। इसमें क्या कि जो चेंज इन एंथैल्पी है पर केजी ऑफ ड्राई एयर ड्यू टू इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो इक्वल होता है W2 माइनस W1 के, दैट इज़ केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और इससे क्या होगा कि जो लेटेंट हीट ट्रांसफ़र हमारे पास होगा और मैथेमेटिकली जो लेटेंट हीट ट्रांसफ़र है वो होता है H2 माइनस H1, जो डिफरेंस है एंथैल्पी का H2 माइनस H1 एंथैल्पी की फॉर्म में, अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की फॉर्म में लिखना चाहें वो होगा HFG W2 माइनस W1। और यहाँ जो HFG है ये लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की एट ड्राई वाल्व टेम्परेचर TD1 और TD2। उसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, वो क्या होता है कि दो मेथड इसके अंदर मेनली होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो वाटर है उसको छोटे छोटे एटम्स की फॉर्म में एटमाइज्ड स्टेट में उसको क्या है कि उस रूम में हम उसको स्प्रे करते हैं जिसको हमें ठंडा करना है, लेकिन ये जो मेथड है ह्यूमिडिफिकेशन का ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक एयर वॉशर होता है, जैसे हम डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ से एयर एंटर करेगी और ये हमारे पास टैंक है और ये मेकअप वाटर की अरेंजमेंट है, यहाँ पे मेकअप वाटर अरेंजमेंट वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ से वाटर जाएगा और ये पंप है, पंप की हेल्प से वाटर जाएगा हीटिंग कोयल में, जो हीटिंग कोयल है जो वाटर हमारे पास है उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा और यहाँ से हॉट वाटर जाएगा और जो हॉट वाटर को हम नोजल के थ्रू स्प्रे करेंगे एयर के ऊपर, तो एयर के ऊपर जब स्प्रे करेंगे उससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो ऐड हो जाएंगे लेकिन टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होगा। उससे क्या है कि हमें आउटलेट पे जो एयर मिलेगी उसका जो टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ऐड हो जाएंगे और हमें एक ह्यूमिडिफाइड एयर मिलेगी। जो एलिमिनेटर प्लेट्स हैं उनका यूज़ है कि ताकि कोई इम्प्योरिटीज़ या डस्ट पार्टिकल हमारे एयर कंडीशनड रूम में ना जाएं, उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसको कह सकते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हम कह सकते हैं रीसर्कुलेटेड जो स्प्रे वाटर उसको बार बार हम रीसर्कुलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या क्या जो एयर को पहले ही प्री हीट कर सकते हैं उसको फिर वाश कर सकते हैं वाटर के साथ। दूसरा है कि हम डायरेक्ट ही हीटेड वाटर को स्प्रे कर सकते हैं मॉइस्चर को ऐड करने के लिए। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं ह्यूमिडिफिकेशन की, कैसे हम ह्यूमिडिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया ह्यूमिडिफिकेशन क्या है और इसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे और एंथैल्पी पे, और ड्राई वेलो टेम्परेचर कैसे इसमें कांस्टेंट रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।